हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों, ये देखिए ठंड के दिनों में हमने बनाया है पालक के दाल। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, इसे आप चावल रोटी के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बस बहुत ही कम सामग्री से और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाते हैं ये दाल। तो ये देखिए हमने लिया है मसूर की दाल, जिसको हमने अच्छे से धो लिए हैं। उसके बाद हम ले लेंगे पानी कुकर में, तो आवश्यकता अनुसार पानी लीजिएगा। जितना आप घर में दाल बनाते हैं बस उतना ही पानी लीजिएगा, और जितना आप दाल लेते हैं डेली उसमें से थोड़ा सा कम दाल लीजिएगा। अगर आप एक कटोरी दाल लेते हैं तो पौन कटोरी दाल लीजिएगा। उसके बाद आप डाल दीजिएगा इसमें हल्दी। तो हल्दी देने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि ये कुकर में फैले नहीं। तेल देने से दोस्तों ये कुकर में लगते नहीं है तेल, तो हमने थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पालक साग। तो पालक साग को हमने अच्छे से धो लिए है, काट लिए है, वो हम डाल दे रहे हैं। यानी कि एक मुठ्ठा हमने पालक साग लिए हैं। आप कम ज़्यादा मात्रा कर सकती हैं पालक के साग की, तो ये बच्चे को खिलाइए। इसे पालक साग खिलाने से आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है दोस्तों। तो ये देखिए हमने पालक साग को अच्छा से मिला लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, यानी कि दो टमाटर को हमने बारीक काट करके डाल दिए हैं। इसे भी ऊपर नीचे कर देंगे ताकि नमक इन लोग में भी आ जाए। उसके बाद हम इसमें लगा देंगे सीटी। तो हमने लगा दिया है दो सीटी इसमें। तेज आंच में ही लगाइएगा, क्योंकि मसूर की दाल बहुत जल्दी ही सीज जाते हैं। तो ये देखिए हमारी सीटी लग चुकी है। अब मैं गैस कर देती हूँ ऑफ। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। हल्का ठंडा हो चुका है, सारे भाप इसके निकल चुके हैं। उसके बाद हमने कुकर का ढक्कन खोला है। तो ये देखिए दाल को घोटने के लिए हमने घोटने का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छा से घोट लेंगे ताकि हमारा पालक दाल और टमाटर अच्छा से मिल जाए। तो ये देखिए कैमरे में भाप आ गए हैं दोस्तों, इसलिए आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए अब ठीक हो गए हैं। तो बस इसमें अब हम लगाएंगे छौंका। छौंका लगाने के लिए हमने लिया है कलछुल। उसमें हम डाले हैं सरसों का तेल, दो चम्मच डालें तेल। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च और लहसुन की 5-6 कलियाँ, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसको अब हम जला लेंगे तेल को। तो ये देखिए अच्छे से जल चुका है। तो ये देखिए हमारा छौंका लग चुका है दाल में। तो ये अब खाने के लिए तैयार हो जाइए तैयार, क्योंकि ये बनाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो दोस्तों ये दाल आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। और जो महिलाएं के छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को लिए ये दाल बहुत फ़ायदेमंद करते हैं, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा गर्म करता है मसूर की दाल। और मसूर दाल को खाने से बच्चों के खाने के लिए पर्याप्त दूध भी मिल हो जाते हैं ये दाल खाने से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठंड के दिनों में ज़रूर बनाइएगा दोस्तों पालक की दाल। तो दोस्तों आज मैं टिप्स में बताने वाली, तो आज का टिप्स ब्यूटी टिप्स है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या है। बहुत लोगों के ओठ ठंड के दिनों में काले हो जाते हैं, फट जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो आज मैं इसका उपाय बताऊंगी। इसे करने से आपके ओठ गुलाबी भी हो जाएंगे, अगर काले हैं तो काले हट जाएंगे, अगर पपड़ी है आपके ओठ में जम चुके हैं तो वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। बस इसका इस्तेमाल आप हल्दी से यूज कीजिएगा। तो इसे आप करने से आपके ओठ बहुत ही ज़्यादा गुलाबी, सॉफ्ट, मुलायम हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं करना क्या है। आप लीजिए एक प्लेट, उसमें डाल दीजिए एक चम्मच मधु। तो मधु की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन एक चम्मच मधु लिए हैं तो यानी कि आधा चम्मच हम लेंगे ग्लिसरीन। अगर आप दो चम्मच मधु ले रहे हैं तो आप एक चम्मच ग्लिसरीन लीजिएगा। बस इसे स्टोर करके आप फ्रिज में आप रख सकते हैं। बस आपको जब इच्छा हो तब ओठ पे लगा लीजिए। तो बहुत लोग रात में ही लगा के सो जाते हैं, लेकिन अगर आपको रात में लगाने का इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो आप सुबह में ही नहा करके ओठ में लगा लीजिए। बस अपना काम कीजिए। उसके बाद आप इसे 2 घंटा तक ओठ पे रखिए। उसके बाद जब इसे धोइएगा तो इस तरह से मलते हुए धोइएगा, तो देखिएगा आपके ओठ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, गुलाबी हो जाएंगे। अगर आपके ओठ में काले काले दाग है या पपड़ी जमे हुए हैं तो देखिएगा वो भी धीरे धीरे हट जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे आप डेली कर सकती हैं, काम करते करते में भी कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे करेंगे आपके ओठ में ये। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी रेसिपी या टिप्स तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।